समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बुधवार को भौतिक विज्ञान का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। परीक्षार्थी चिट बनाकर पेपर देने के लिए पहुंच गए, जहां परीक्षार्थी के पास से चिट पकड़ी गई। पूछताछ के बाद चारों अन्य छात्रों को पकड़ा गया। जांच में उनके मोबाइल में परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र पहुँच गया था। इसके बाद बीयू ने भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र की परीक्षा को निरस्त कर दिया। साथ ही नवाबाद थाने में केस दर्ज करवा कर पांचों परीक्षार्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छात्रों के पास से प्रश्न पत्र के उत्तरों की चिट मिली। बीसी प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय के सत्र 2021-2022 की वार्षिक व विषम सेमेस्टर परीक्षा 28 मार्च से शुरू हुई थी। बुधवार सुबह 7 बजे से 9 बजे की पाली में बीएससी द्वितीय वर्ष के भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। ये प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव था और 5,922 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। बीयू परिसर के नवीन परीक्षा भवन स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी अजय भास्कर नकल करते हुए पकड़ा गया। उसके पास प्रश्न पत्र के उत्तरों की एक चिट मिली। सूचना पर परीक्षा नियंत्रक, केंद्राध्यक्ष व उड़ाका दल के सदस्य मौके पर पहुंचे। पूछताछ में छात्र ने बताया कि प्रश्न पत्र का हल कई अन्य छात्रों के पास भी है। इसके बाद चार अन्य छात्र पकड़े गए। चिट से शुरू हुई परीक्षा लीक तक पहुँच गई। चिट पकड़े जाने के बाद छात्रों ने पूछताछ में बताया कि परीक्षा से पहले करीब 6:20 पर प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए उनके मोबाइल पर आ गया था। मोबाइल चेक किए गए तो बात सच निकली। उनके मोबाइल में प्रश्न पत्र की फोटो मिली। तब चार छात्रों के मोबाइल जब्त किए गए। प्रश्न पत्र लीक में अंदर के अधिकारी का ही हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मोबाइल में प्रश्न पत्र मिलने के बाद अधिकारियों ने कुलपति और कुल सचिव को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई। सूचना पर विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज और नवाबाद थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। परीक्षा केंद्राध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुमार प्रजापति ने तहरीर दी है। साथ ही पांचों छात्रों को पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले में प्रोफेसर आर के सैनी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। इसमें क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रकाश, सह प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, सिस्टम एनालिस्ट दीपक तोमर और सहायक कुल सचिव परीक्षक दिनेश कुमार हैं। जांच समिति से पूरे मामले की जाँच कर अतिशीघ्र रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। झांसी से मनीषा लिखी रिपोर्ट। उसमें यह था कि आज जो 21-22 की वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम बीएससी द्वितीय वर्ष के भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र था, जिसका प्रश्न पत्र कोड 2002 था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो परीक्षा केंद्र है, इस परीक्षा केंद्र में जो हमारे वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके द्वारा, ये वहाँ पर इन्विजिलेटर के द्वारा अपनी ड्यूटी प्रदान की जा रही थी। तो ड्यूटी के दौरान जब ये पाया गया कि कुछ छात्र कुछ किसी पर्ची को लेकर नकल कर रहे हैं, जब उनकी जांच पड़ताल की गई, ये की गई, तो उनके पास से जो एक पर्ची निकली, वो पर्ची में ये आई कि उनके कुछ उसमें नंबर थे और नंबर के ऊपर उसके आंसर लिखे हुए थे, क्योंकि पेपर आज ऑब्जेक्टिव टाइप था। जब उनसे और गहन पूछताछ की गई कि भाई आपके पास ये नंबर कहाँ से आए, क्या आया, सेम टू सेम दो तीन छात्रों के पास आए, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे पास करीब 6:44 या 6:45 पर ये पेपर व्हाट्सएप के द्वारा आया गया है। तो फिर अन्य छात्रों से भी पूछताछ की गई तो केवल 2-4 छात्रों ने ये स्वीकार किया कि हमारे पास ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये पेपर आया था। तो और अन्य जगह से विश्वविद्यालय को या परीक्षा नियंत्रक को या रजिस्ट्रार को अन्य किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली कि कहीं पेपर लीक हुआ है। पर चूंकि ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षाओं को सुचारू रूप से पारदर्शिता के साथ संपादित कर रहा है, तो इस टोटल परीक्षा में 5,922 छात्र सम्मिलित हैं। तो हमने परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल यह निर्णय लिया कि इस परीक्षा पत्र को हम निरस्त कर देंगे। साथ ही जो छात्र हमको संदिग्ध प्राप्त हुए उसके खिलाफ हमने यहाँ के पुलिस चौकी में FIR भी दर्ज करवा दी है और पुलिस द्वारा उन छात्रों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा ही अन्य जानकारियाँ हमको मिलती हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 5 सदस्यीय एक समिति बना दी है और हम ये जांच करने का प्रयास कर रहे हैं, पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो किस परीक्षा केंद्र से हुआ है, किस परीक्षक के द्वारा किया गया है या किसी नोडल सेंटर के द्वारा किया गया है।
चूँकि इसमें छात्र ये इन्वॉल्व हैं तो इनसे जानकारी आएगी, उसके पास हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688, 7617041558। राजूपाल एवं माँ पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525, 8090155855, 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रोपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा। मैं ये कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद, अमित शाह जी को कोटि कोटि धन्यवाद और योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए मैं सभी आरएसएस और सभी बीजेपी जितने भी नेता लोग हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ब्राह्मण के लिए एक चेहरा उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए डिपूट किया। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं पंडित विनोद शर्मा, ग्राम डंगरभा से, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बनी है, बड़ी हार्दिक मुझे खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय अमित शाह जी, ये हमारे बड़े कर्मठ और योग्य नेता हैं। इन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज का एक नया चेहरा जो है डिप्टी सीएम के पद पर इनको भेजा है। मुझे आशा है कि जनता के प्रति, उनकी सेवा के प्रति बिल्कुल निष्ठा भाव से सेवा करेंगे।